بسم الله الرحمن الرحيم. وعليكم السلام. ايه ياسر باي دمشق ما شاء الله बहुत खूब कलम के जो स्ट्रोक्स हैं उनको शार्प रखना है ताकि लफ्जों के किनारे मोटे मोटे ना हो, इस चीज का ख्याल रखें। यहाँ पर भी वसलिया की निशानी आएगी, ये अलिफ और लाम आपके बराबर है, ये नीचे हो गया ये ऊपर हो गया, खड़े जबर हाथ की तश्कील आ सकती है यहाँ पर, तो थोड़ा सा तिरछा बनाए और बाकी अच्छा है माशाल्लाह। यहाँ कलम मोटा हो गया जरा, ये बड़ा हो गया, ये हिस्सा थोड़ा सा बड़ा हो गया, नफ्ज़ जलाला अच्छा है, बहुत अच्छा है, ये थोड़ा सा गोल हो गया। यहाँ मीम की आँख छोटी हो गई, यहाँ बहुत अच्छी है, ये मजीद फौरन ऊपर चला गया जरा, और आहिस्ता से थोड़ा सा चल के फिर ये ऊपर आ सकता है। अच्छा है माशा, बहुत खूब। कंपोजिशन है माशाल्लाह, खत में मजीद जान डालनी है और ये अल्फाज थोड़े से लंबे हो गए हैं, इसको इस वक्त पे जाना है, इसको थोड़ा सा यूं लिखते हैं। अच्छा, एक ही कशिश है तो वो थोड़ी सी कंपोजिशन के हिसाब से अजीब सी इस वजह से लगेगी कि वो सिंगल है, अगर और चाशनी पैदा करनी है तो फिर आप इसको सिंपल लिखें, ये सिंपल सिंपल हो जाएगा। और इसी तरह से ये मीम भी इसको सिंपल कर दें तो सारे अल्फाज आपके लाइन पे आ जाएंगे। इसी तरह ये जो बहुत बड़े कलम से आपने बना दिए, इसको जरा आधे कलम से बनाएं और उसकी जगह दूसरा वाला बनाएं। आम हालत में हम ये बनाते हैं कुरान लिखने के उसूलों में, फिर हम ये सुकून डाल सकते हैं, वरना आप जज्म डाल दें। इसका जो जोड़ है काफ का, इस पे भी बहुत निकलेगा, हमजा थोड़ा बड़ा हो गया। ये बड़े कलम से तो बनते हैं सेम कलम से, लेकिन इनका आधा हिस्सा यूज होता है, कहीं पूरा कलम इस्तेमाल होता है। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। इसके किनारे इस्तेमाल करें, मैं अभी बताता हूँ उसको। हमजा बड़ा हो गया है, यहाँ आ जाएगा, ये करीब आ जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, इस तरह बिल्कुल ठीक है, अतफाकुम, ताकि दूसरी दूसरी जो रिवायत है कुरान करीम पढ़ने की, उसमें अतकाकुम या अतकेकुम वो पढ़ा जा सके। तो अच्छा, यहाँ भी हमजा वसलिया की निशानी है, जिन्होंने सिर्फ काफ के बाद काफ लिखा है वो दुरुस्त नहीं है, काफ के बाद ये शोशा डलेगा। अब या के नुक्ते डालें या ना डालें, ये दोनों तरीके जायज हैं। अतकाकुम में या के दो नुक्ते, अलबत्ता शोशा जरूर डलेगा। और दूसरी सूरत में फिर अलिफ के साथ लिखते हैं, अगर हम रस्म इमलाई में लिखते हैं तो अतकाकुम हम अलिफ के साथ लिखेंगे, ये रस्म उस्मानी है और इसी के तहत कुरान को लिखना दुरुस्त है। जैसे कि अभी ये सिदरा का काम आएगा, तो यहाँ पर इस तरह दुरुस्त नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम का लिखें, इसमें शोशा आना जरूरी है। बाकी कंपोजिशन आपने बहुत अच्छी बनाई है माशाल्लाह। अब ये ऊपर है, ये थोड़ा नीचे गिर गया इससे, और ये रॉ जो है इसको यहाँ से इसके मीम या इसको मिला के शुरू करें, ये रॉ तब अच्छा लगता है जब मीम इसके साथ आगे जुड़ा हुआ हो।
फासला हो गया है, नून थोड़ा छोटा हो गया है। अकरमकुम, अक बड़ा हो गया ये, तुम इंदल्लाही, नून नुक्ता थोड़ा छोटा करें, जज़ब यहाँ करीब आई, ये थोड़े बड़ा कलम से, इसमें अभी आपने ये लाम बारीक हो गए, हाँ मोटा हो, सुकून की जगह जज़ब डालते हैं आप, अतफाकुम, बाकी अच्छा है माशा, हद पे आपने मेहनत करनी है, नाम छोटा सा यहाँ लिख दिया करें आप। अच्छी कोशिश है माशाल्लाह, ये मैं कलम के जरिए से मजीद वाजे करता हूँ। ये आपकी कोशिशें हैं, इसमें यह कामयाब भी है, अच्छा है, अब जिस तरह यहाँ बनाया ना तो ये चीज बनानी थी, इसको ये भी अच्छा था, इसको जोड़ दें, ये आपने बेहतर किया है माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा फहम है आपका माशाल्लाह, बहुत खूब। ये माहम का है, थोड़ा सा बड़ा करें, ये जबर के लिए इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ से आएगा, ये थोड़ा तिरछा होगा और जाएगा, मीम आपका ठीक नहीं है, इसकी जगह ठीक है, थोड़ा ज्यादा ऊपर हो गया ये दाल, अल्लाह का हाथ देखना, ये सीधे सीधे पतले हो गए, ये बहुत मोटा और बड़ा हो गया ये हिस्सा, और ये जोड़ा आपने काफी बड़ा कर दिया, इसको भी तिरछा लेके जाके यूं कर लिया, ये ठीक है, अब इस तरह से ठीक है, यहाँ जबर और खड़ा जबर दोनों आ सकते हैं ताकि जगह आपकी फिल हो जाए, अच्छी बहुत अच्छी कोशिश है, लफ्जों की खूबसूरती होनी चाहिए, जरा लफ्जों में जान पैदा करें, मश करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि अल्फाज आपके और खूबसूरत हो सके। अच्छा जी, तो सादिया ने भेजा है, यहाँ भी शोशा नहीं है, शोशे की कमी है और गलती कहलाती है। अच्छा यहाँ ये बन गया, यहाँ छोटा बन गया, तो इसको भी आप छोटा बना सकती हैं ताकि सिमिलैरिटी आ जाए, जैसे यहाँ और यहाँ आ जाए, जैसे अच्छा यहाँ ये वाला बन गया और यहाँ ये वाला बन गया, इसको भी देखें, नून कशीदा बनाते हैं तो पहला हिस्सा छोटा होता है, ये बहुत लंबा हो गया, इसको छोटा भी करें तिरछा भी करें, ये जोड़ा आपने इतना अच्छा नहीं बनाया रॉ के साथ, लफ्ज़ अल्लाह का दूसरा जो है वो काफी खुल गया है, दूसरा नाम यहाँ ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, सीन वाला चक्कर यहाँ हो गया, हाँ बेहतर करें, हर जगह आपको तराशने की जरूरत पड़ रही है, इसको ये गोल गोल हो रहा है सुरुज की तरह, जरा इसको भी देखना है, बहरहाल बहुत अच्छी कोशिश है माशाल्लाह, जहां तक एराब को देखा जाए तो एराब अच्छे हैं, तो जगह पर बनने की बड़ा कर देते हैं, आप कभी इसको तिरछा होना चाहिए, ये जगह खास तौर पर देखनी है, जोड़ लंबा हो गया काफी, इस तरह से ऐसे करना है, माशाल्लाह बहुत खूब बहुत खूब। अब हम जरा इसकी बनावट की तरफ आते हैं, कलम के जरिए से आपको जैसे मेरा कलम थोड़ा सा भी इसकी शार्पनेस कम है, तो मैं जरा इसको शार्प करूंगा, हल्का सा कट लगाऊंगा,
सा देखें आप, एक मिलीमीटर के फासले से, उससे भी कम, उसी जाविये पे रहते हुए मैंने एक लगाया। अब ये जरा शार्प हो गया। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं जो है ना वो थोड़ा सा लाम और जीम या हा जो है उसको लेकर थोड़ा बहुत कंफ्यूज हूँ सर। कहीं पर लाम जो है वो खड़ा है और कहीं पर जैसे बा और जीम बनाते हैं उस तरह का थोड़ा बड़ा करके बना हुआ है सर। मोस्टली जो है वो दूसरा वाला बना हुआ है, लेकिन सर इसको थोड़ा सा क्लियर कर दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे आपकी बात भी समझ में नहीं आई, आप किस चीज की बात कर रहे हैं? सर मैं लाम और जीम की बात कर रही थी। जब लाम और जीम का जब जोड़ आता है, देख अल्हम्दुलिल्लाह हम लिखते हैं तो लाम और ये जो होता है तो सर कहीं पर जो है वो बा और जीम की तरह दिखता बनाते हैं, बा और जीम बनाते हैं तो वो थोड़ा बड़ा करके लिखा हुआ होता है। और सर कहीं पर जो है वो लाम और जीम को मतलब के दूसरी तरीके से बनाइए, खड़ी लाम बनाइए और जीम बनाइए। सर मुझे आप ये वाली बात बताएं, मुझे नहीं समझ आ रहा कि कहाँ पर क्या बनाना है आप सर। इसकी बात कर रही हैं तो ये आपको हाँ दोनों जी सर, तरीके इस से बनाना ठीक है। इसमें जी ज्यादातर यही होता है कि जब इससे पहले कोई हर्फ इस लफ्ज का हिस्सा हो, जैसे अलहमदु, तो उस जी वक्त आपको इस तरह बनाना ज्यादा अच्छा लगता है और बेहतर है। दूसरा ये कि अगर कोई इससे पहले लफ्ज ना हो तो आप उसको इस तरह बनाएं, खड़ा बनाएं लाम। ठीक अच्छा। तो सर मैं जब है, उस्ताद शौकी का काम जब देख रही थी तो सर उन्होंने एक जगह पर अल खत जो लिखा है तो वो उसमें एक तरह से इस तरह लिखा है और एक दूसरी तरह से लिखा है, दोनों तरह से लिखा है उन्होंने। हाँ। तो यहाँ आपके पास ये जो ऑप्शन है ना, ये सही है कि जब आप शुरू में लिखें, इससे पहले कोई लफ्ज ना हो और ये अलग लफ्ज हो, तो ये आप इस तरह से लिखें। और यहाँ आपके पास जैसे अल्हम्दु है, यहाँ आपके पास ये दोनों ऑप्शन है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक। सर नहीं मैं नहीं समझ पा रही सर। देखें कहीं पर भी कहीं पर इस तरह लिखा हुआ है, कहीं पर इस तरह लिखा हुआ है, जबकि दोनों लफ्ज सेम है। जैसे कि अल खत दोनों ही सेम है ना, उसके आगे भी अलिफ लग रहा है, उसके आगे भी लग रहा है, लेकिन उन्होंने एक जगह इस तरह लिखा है तो एक जगह इस तरह लिखा है। तो दोनों सूरतें जायज हैं, यही मेरे कहने का मकसद है कि इस सूरत में लाम की दो शक्लें हो जाती हैं, दोनों का लिखना जायज है, दुरुस्त है। अब आपके इंतखाब के ऊपर है कि आपको खूबसूरत कौन सा लगता है। अगर यह खूबसूरत लग रहा है तो आप इसका इंतखाब करें, आपको यह अच्छा लगता है तो आप इसका इंतखाब करें, मतलब हम दोनों तरह से लिख सकते हैं ना। दोनों तरह से लिखें, कोई जी ममानियत नहीं है। दो शक्लें, जैसे बाजीम भी हम लिखते हैं तो बाजीम ऐसे लिखते हैं। अब बाजीम की एक शक्ल ये भी है हमारे पास, बाजीम की एक शक्ल ये भी है हमारे पास, हम हमारी मर्जी कॉम्पोजिशन को देखते हुए किस चीज का इंतखाब करें। ठीक है। ठीक है। अब जैसे कहीं पे आपने लिखना होगा सफा, तो आप ऐसे लिखेंगे। आप कहीं पर आपका जी चाह रहा होगा कि जगह ज्यादा है, मैं इसको ऐसे करूं, तो कहीं पर जगह ऐसी बन जाती है कि आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। लाइन तो आपको यही चल रही है, लेकिन आपको ऐसा करना पड़ेगा कि आप ऐसे करके फा ऐसे लिखें, फिर आप इसको ऐसे कर, ऐसा भी होता है जैसे कुछ बड़ा लफ्ज लिखे फा के बाद भी कुछ आता इस तरह ठीक है से सर। भी होता है, भी तो ये सर मुख्तलिफ हालतें होती हैं, आप इसके मैं माजरा इंतखाब कर चाहती हूँ, सकते मैं हैं। आपको काम नहीं चेक करवा पा रही सर, थोड़ा सा बिजी भी हूँ, थोड़ा सा काम भी है सर, मैं लिख नहीं पा रही। इंशाल्लाह मैं नहीं जरूर नहीं आपको काम चेक मैं करवाऊंगा। समझ सकता हूँ, इंशाल्लाह आप बिल्कुल मसरूफ रहें, हम आपको नहीं तंग करेंगे, बस समझें और मश करें।
नहीं सर, जैसे जैसे मिलता है ना कोशिश करती हूँ मैं थोड़ा कुछ ना कुछ लिखूँ, लेकिन मैं फाइनल नहीं कर सकती कि मैं आपको चेक करवा सकूँ। इंशाल्लाह मैं थोड़ा सा इस मसले से निकल जाऊँ सर, मैं जरूर आपको काम चेक करवाऊंगी, इसके बाद ही मैं बिल्कुल सर्टिफिकेट दूंगी। बिल्कुल। ये देखिए जी, अब मैं सब अलग अलग लिखूं, फिर फनी तौर पर कैसे लिखेंगे वो भी मैं आपको बता। ये आपको समझ में आ गई सदर? ये हिस्सा नीचे है, ये नीचे है, बाकी सब लाइन पे आ रहा। ये आ गया, अब इसको देखिए इन, ये तो आ गया, इसका जेर भी डाल दें, तक करामत को इसका अलिफ भी आ सकता है, जिस सिर्फ अक रमा। अब इसको इसका बनाया है, या इसको इसका बनाया है, इसको इसका बनाया है, या इसको इसका बनाया है, आपके मर्ज। हम ये आ गया, एंड दल्ला, जगह ज्यादा थी इसकी मवासलत की वजह से, ये देखिए आए। अब ये एक दो तीन, ये सारे आ रहे हैं, तो इसको भी हम कर सकते हैं। हाँ यहाँ डाल दे, एंड अल्लाह ही, यहाँ हमजा डाला है तो यहाँ भी हमजा डाल दे। हाँ अब इसमें ऑप्शन देते हैं। अब इसको जरा मैं, ये सिंपल लिखा है ना, अब जरा फनी तौर पर मैं लिखूं, मैं ऐसे लिखूंगा इन्ना। अब ये अरिफ है, अब इस अरिफ को थोड़ा छोटा करते, इसके ऊपर डालते, ये लाइन है हमारी, सॉरी ये यहाँ डाल, ये ऐसे भी आ सकता है, और ये ऐसे करके ये इसके सामने ला सकते हैं, लेकिन वो उस वक्त करेंगे जैसे इसका रुख यूं हो जाता है इस तरफ, तो ये अलिफ इसका समझा जाएगा, जैसे आप डन, लेकिन एंड दल्लाही, अब अलिफ जो है वो लफ्ज अल्लाह का है, तो इसीलिए इसको उसके ये वाले दाल के साथ नहीं, बल्कि ये वाले दाल के साथ लिखना ज्यादा अच्छा। टेक्निकल चीज समझ में आई आपको? ग्रामर का भी आपने लिहाज रखना, बाकी यार आप उसी तरह हो। ये अब करते हैं ना, तो आप ये करेंगे, इस सूरत में ऐसे
और भी कई तरकीबें बन सकती हैं, थोड़ी थोड़ी तब्दीलियों के साथ। आइए अब इसे कलम से लिखते। अच्छा, पिछली क्लास में जब मैंने आयत शेयर की थी आप लोगों से, तो उसमें गलती हो गई थी। वो ये कि ऐसा कम इसलिए चाहिए, और वो समीउ और बसीर असल चीज ये थी, असल आयत ये थी। इससे गलती हो गई थी, वो मैंने आलिम लिख दिया था। तो ये है अलीम, वो फसयक्फी कहुमुल्लाह वहुव समीउल अलीम, वो दूसरी आयत वो नहीं सकम इसलिए शही वहुव समीउल बसीर। इसकी करेक्शन उसी आयत को हाल के तौर पे कलम से। आप लोगों को इसमें से कौन सी तरकीब समझ में आ रही है, इसको लिखते हैं। चलिए एक फर्स्ट लिखता हूँ और एक मैं थर्ड लिखता। सर ये आपने मुख्तार में कौन सा टेक्सचर दिया है? ये एक्रेलिक पेंट से टेक्सचर दिया गया ये कॉटन के जरिए से। ये आपने दिया है वो नहीं, ये मेरी एक स्टूडेंट उमामा हैदर उसी ने। ने। हाँ, ये मामा ने। सर जिस तरह बाकी खतूत में एक लाइन के बाद दूसरी लाइन लिखने के लिए, जैसे कि अगर रुका है तो रुका चार नुक्ते का अलिफ होता है, तो हम बाद तीन अलिफ के बराबर नीचे का गैप देते हैं। सर नस्क में कितने अलिफ के बराबर देंगे? तीन अलिफ के बराबर, दो एक दो दो अलिफ के बराबर। अलिफ के बराबर, मतलब 6 6 12 नुक्तों के बाद अगली लाइन आएगी। जी, 12 नुक्तों के बाद दूसरी लाइन। बिस्मिल्लाह।
अब ये नीचे हो गया। लाइन से नीचे चला गया। देख रहे हैं आप लोग? थोड़ा सूखने देंगे इसको। तक हम थोड़ा सा मोटा हो गया था ठीक करते हैं। ये कॉटन बड से मैंने रिमूव किया और अपना लोहा दहन लगाया मैंने। लोहा दहन समझते हैं ना आप लोग? धूप लगा के उसको फिर अच्छा ये पेपर का निशान, पेपर का अपना निशान। थोड़ा तिरछा कलम लाए। मैंने बताया ये शोशा इसलिए लगा रहे हैं ताकि रस्म उस्मानी में जो दूसरी किरात है अतकेकुम उसकी मुखालफत ना हो, तो उसका यह है जिस तरह हमने सूरत अल-क़द्र में अदरा का, तो अदरा का में भी ऐसे करते हैं कि अदरा का नहीं लिखते, ऐसे नहीं लिखते बल्कि ऐसे लिखते हैं अदरेक, ताकि अदरे का भी पढ़ा जाए जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी रिवायत तो दुरुस्त करार दिया है। वो ऐसे खड़ा जबर लगा देते तो अदरा का बन जाएगा और नहीं लगाएंगे तो अदरे का बढ़ जाएगा। तो यहाँ भी अतकाकुम और अतकेकुम दोनों तरह से पढ़ना दुरुस्त होगा ये रस्म उस्मानी। ये देखें आदि नोट से बनाया है ये पूरे कलम से लेकिन तिरछे से। यहाँ पर मैं यहाँ आधे कलम से हमजा लगा ये करती हूँ।
का जगह नीम का जगह, कुम आधे कलम से आधी नोक से है, दल्ला आदि नोक्स, आदि नोक्स, आदि नोक्स, आदि नोक्स है पूरे कलम से, फिर आदि नोक्स है, आदि नोक्स है, इसको मैं दूसरी तरह से देखता ठीक है जी, ठीक सर, ये हम काफ और मीम को कितना तिरछा करेंगे, ये जो मीम के पैवान से ऑनवर्ड्स आगे?
45 का उलट जावी होता है, 135, ये 45 है और इसका अगेंस्ट। समझ रहे हैं? जी सर, ठीक हो गया। और सर, आपने पिछली क्लास में कहा था कि आप उस्ताद शौकी के काम को कॉपी करने का तरीका भी बताएंगे। सर, वो भी काइंडली अगर टाइम है तो बता दीजिए। बिल्कुल, अभी उसी की तरफ आ रहा हूँ कि आपने हिलिया मुबारक लिखना है, और हिलिया मुबारक का वो मैंने आपको भेज लिया था ना। जी सर, अनाली ये देखें, इसके पार्ट्स हैं, एक दो, यहाँ शुरू सात है, इन द नेम ऑफ अल्लाह, बिस्मिल्लाह आएगी, दूसरे पे तमाम सल्लाह पहला, तीसरे पे और चौथे पे पूरी हदीस आएगी, और पांचवा छठा सातवां आठवां ये खुलफाए राशिदीन के नाम है। इसका तर्जुमा है इंग्लिश में, ये बुक इंग्लिश में भी होती है, उर्दू अरबिक में भी है, टर्किश में भी है, मेरे पास इंग्लिश में है, ये मैं आपको भेजूंगा। फिर ये इसका एक खास तरीका किताब की प्रिंटिंग चेक है। ये इन्होंने बीच में लफ्ज मोहम्मद भी लिखा है, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जात से, सीरत से मुताल्लिक बहुत सलीकों से लिखा गया है। ये यहाँ पर आप देखें, इन्होंने ये चार लाइनों में ये खत्म किया, रिवायत है तिरमिजी की रिवायत, फिर नीचे अपने दस्तखत खत इजाजा कतबहुल फकीर الله محمد الجاي غفر الله ذنوبه وستر عيوبه سنة 1425 1425 هجري من لكا قد كتبت هذه الحلية الشريفة بتكليف من سمو الشيخ عبد الله بن زيد زايد آل نهيان. يا عبد الله بن زايد آل نهيان نے استاد محمد کو آرڈر کیا تھا تو انہوں نے یہ لکھا ہے. یہ عبد الله بن زايد آل نهيان جو یو اے ای کے بادشاہ ہیں ان کے گھر میں لگا. अब इस तरह के बहुत सारे के लिए उस्ताद मोहम्मद हुसैन ने लिखे हैं, उस्ताद शौकी ने तकरीबन कोई बहुत सारे हिलिया लिखे हैं। हाफिज उस्मान से 600 साल पहले ये हिलिया लिखने की रिवायत शुरू हुई, और देखें यहाँ पर यहाँ मोहम्मद रसूल लिखा, वहाँ मोहम्मद लिखा, यहाँ कुछ भी नहीं लिखा, जस्ट ये इस तरह से आप लिख लें। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 लाइन है यहाँ, 1 2 3 4 4 लाइन है नीचे दस्तखत वाली, फिर चार तरफ अबू बकर उमर उस्मान आदि,
बिस्मिल्लाह ये सुन उसमें आ जाए, इस तरह से लिखना है। अब ये तो मिलता है आपको, मैं भेजूंगा, भेजा भी है मैंने, और तो वो आप ketab.org उस वेबसाइट पे भी सर्च करेंगे हिलिया, तो आपके पास बेशुमार हिलिया आ जाएंगे, वहां से भी आप इजीली दे सकते इजीली देख सकते हैं। इसके अल्फाज में कहीं कहीं आपको थोड़ी बहुत तब्दीली मिलेगी, जैसे अब यजु मुशरबुन, कहीं पर अब यजु मुशरबुन तक लिखा हुआ है, अब यजु मुशरबुन, मुशरबुन बिहमरतिन ये भी आता है, मुशरबुन बिलहमरती ये भी आता है, तो इस तरह से ये रिवायत। बाहर जो आपको नकल करना हो वो सारी रिवायतें ठीक है, उसमें से आप नकल कर सकते हैं। इस तरह से आप लिखें, पहले तो आप खत पे मेहनत करें, फिर आपने ये तैयार करना है, या आपके पास लाइफ टाइम है, यहाँ पे आपको देता हूँ कि आप जब तक लिखना चाहें ये लिख लें, लेकिन कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द ये मुकम्मल करें। खास तौर पर एक दफा वैसे ही सीधा सीधा लिख के मुझे दिखा दें, बाद में इस पैटर्न पे आप जब भी लिखें तो वो आपके लिए उसकी गुंजाइश मौजूद है। सर आपने अपने खत में इसको लिखा है? सर आपने जो लिखा है वो भी शेयर कर सकते हैं आप? नहीं, मैंने अभी तक क्लियर नहीं लिखा ये, तो इसमें आपने बहुत मेहनत करनी है, खास तौर पर बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं इसमें, बिल जादिल कतित और बिल तवील अल ममगत बिल कसीर अल मुतरद्दद बिल सब्ज बिल मुतहम बिल मुकलसम आइनैन मिशाश यतकल्लउ कफ्फैन शसन, बहुत मुश्किल मुश्किल अल्फाज हैं इसमें, नबीयीन, उसकी खूब मशक करनी है आप। मैं अगर लिख लूंगा तो मैं भी लिख सकता हूँ, लेकिन आप लोग खुद लिखेंगे तो ज्यादा उसमें आपको फायदा। ये मैं आपको भेज देता हूँ, आप लोग नकल करके मुझे दिखाते रहे, बल्कि मैं आपको टास्क ये देता हूँ कि जिस तरह आप लोगों ने नाकरमकुम लिखा है, तो अगले जो सफा ने लिखा है माशाल्लाह रुफा और दीवानी में, ये आप जो है वो यहां तक तो लिख के लाए, अगली क्लास में यहां तक वलम यकुन बिलमुतहमी वाला बिलमुकलसम, ये जो मुकलसम लिखा हुआ है यहां तक लिख के लाया, मुकलसम यहां से यहां, यहां अलीन से मुकलसम तक इसकी प्रैक्टिस करें, फिर उससे अगली क्लास में हम खातमुन नबीयीन पे करवाएंगे, उसके अगली क्लास में मुकम्मल करेंगे, तो 3 क्लासेस में आपसे ये मैं मुकम्मल करवाऊंगा इंशाल्लाह। ये आपका टास्क है, भले आप नकल करें देख के लिखें, लेकिन आपने लिखना ऐसे, यानी आपकी अपनी कंपोजिशन जरूरी नहीं है, यही कंपोजिशन रखें जो उस्ताद शौकी वगैरह का भेजूंगा, ये तो उस्ताद मोहम्मद का है ना, इसमें जरा खत इनका वो मैार नहीं है जो पुराने असाज़ा का है। जादन देखें, दाल को अलिफ से मिला दिया यहाँ पे जो मैं बता रहा था, क्योंकि जादन इसी का हिस्सा है, इसमें देखें इन्होंने ये एक बड़ी चुटकुले की बात की है, बड़ा अच्छा है इन्होंने बताया इसमें, कि ये जब लिख रहे थे तो फाइनल करेक्शन टू बी क्लियर इन द सेम कंपोजिशन व्हिच आई रीच द वर्ड तदवीर, राउंडनेस, तदवीर का मतलब राउंडनेस इन द सेंट्रल मेडिलियन आई नोटिस्ड विद अमेजमेंट, अब ये देखिए आखिर बिल्कुल दरमियान में आ गए, तदवीर का लफ्ज जिसका माना है के राउंडनेस, तो ये दाल के साथ तो इसका राउंड बनाया था, बिल्कुल इसके सेंटर में आया है, इस सर्कल के सेंटर में। क्या तो इसको आपने नकल करना है और यही आपका होमवर्क है, ठीक है जी। बाकी आपने बहुत अच्छा काम किया, इन अकरमकुम का काम देख के मुझे खुशी हुई। मिस सादिया ठीक है, आप कर लेंगे इंशाल्लाह देख के, मैं अभी आपको उसके रेफरेंस भेजता जी सर, इंशाल्लाह कोशिश करूंगी, लेकिन जरा मुश्किल काम ही है सर। मुश्किल काम तो है, लेकिन ये कर लिया ना तो फिर आप लोगों के लिए बड़ी आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह। सर अभी तो अब्जद ठीक है जी, स्थिति और हुई कोई तो ये सवाल है?
मुश्किल सा काम है हाँ सर। बस अब तो हमारी मजबूरी है कि हमने 4 महीने में क्लासेस खत्म करनी है, 32 क्लासेस पूरी करनी है, वरना तो हम आपको 4 साल तक साथ लेके चलते जाए। अब तो हमारी ठीक नहीं हुई, ये शिकवा तो सारी उम्र रहेगा। वो उस्ताद कामिल ने कहा था कि खताती के लिए 2 जिंदगियां चाहिए, एक सीखने के लिए और एक काम करने के लिए। सही बात है सर, अब ठीक वो है जिंदगी सर। सीखने में ही गुजर जाएगी, फिर बस अल्लाह ताला इस हमारी कोशिश को मकबूल फरमाए। हमारी वो कहते हैं कि असाई मिन्ना वल इतमाम मिन अल्लाह, हमारी तरफ से कोशिश है बस कि पूरा करना वो अल्लाह का काम है, अल्लाह ताला उसमें कमाल पैदा करें या अल्लाह के साथ में। हमें जो मुकल्लफ किया गया है जिस चीज का वो हम कर सकते हैं। बेशक आखिरी दुआ सर, भी किया करें इंशाल्लाह सर। अपने लिए भी मेरे लिए भी, अल्लाह ताला इसमें मजीद बरकतें डाले और हमें इखलास से ये काम करने की तौफीक अता फरमाए। जब इखलास शामिल हो जाता है ना तो मामले बड़े सीधे हो जाते हैं। बेशक सर, कोई शायद इसमें इंशाल्लाह। दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट मंडे को। यमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि।